हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, जो भी आपके पर्सन हैं, वो अभी आपके लिए इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए यहाँ पर आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। अभी आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके पर्सन ये भी कोशिश करते हैं गाइस कि वो आपके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, आपकी तरफ उनका ध्यान ना जाए, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनका ध्यान बार बार आपकी तरफ जाता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। और वो चाहते नहीं हैं आपके बारे में सोचना या आपके बारे में कुछ भी वो जानना नहीं चाहते। वो चाहते हैं आपसे दूरी बनाना, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। पहले तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं गाइस, लेकिन अभी आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई देते हैं। पहले वो दिमाग से काम लेते थे, अब वो दिल की सुन रहे हैं। और आपके जो पर्सन हैं वो चाहते तो हैं आपको भूल जाएं, लेकिन वो भूल पा नहीं रहे हैं। और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वो अपने काम में भी बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी याद उन्हें ना सताए। लेकिन फिर भी आपके पर्सन का ध्यान बार बार आप ही की तरफ जाता है और आपको इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और हो सकता है आप लोगों का भी कोई कांटेक्ट नहीं है, आपकी कोई बातचीत भी नहीं है। बहुत लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन उनका बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। अब बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने के बावजूद भी गाइस, आपके पर्सन हो सकता है अभी तक आपसे कॉन्टैक्ट नहीं किए हैं, क्योंकि आपके पर्सन की हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की। आपके पर्सन आपसे डरते भी हैं, जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया है, इस वजह से वो आपसे बात करने से भी डर रहे हैं। और इसी वजह से अभी तक उन्होंने कोई कांटेक्ट आपसे नहीं किया, जबकि आपके बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। और इस वक्त पुरानी बातों को भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन याद कर रहे हैं गाइस, जो पास्ट में आप दोनों ने समय बिताए हैं। आप जिस तरह से उनकी हेल्प करते थे उनकी प्रॉब्लम में, उनकी केयर करते थे, आप उनका सपोर्ट कर रहे थे, उनको जो प्यार आप देते थे, वो सारी बातें अभी आपके पर्सन याद कर रहे हैं। जो जो समय आप दोनों ने साथ में बिताए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अभी आपके पर्सन याद कर रहे हैं और उन्हीं लम्हों को वो दोबारा जीना भी चाहते हैं। लेकिन यही है कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही आपकी तरफ बढ़ने की या आपसे बात करने की, क्योंकि आपके पर्सन रिजेक्शन से डरते हैं और उन्हें लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन भले ही फेक अकाउंट बनाकर ही सही, आप लोग ब्लॉक भी हो सकते हैं तो, लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और उन्हें ये भी डर है कि उनके अलावा आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। ये भी आपके पर्सन को डर है कि कहीं आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे न बढ़ जाओ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप और किसी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वो चाहते हैं, वो आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, वो आपके साथ शादी चाहते हैं, लेकिन वही है कि डरते हैं बहुत ज़्यादा आपसे, इसी वजह से आपसे आपकी तरफ वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। और आपके पर्सन ऐसा नहीं है गाइस कि पार्टीज़ वगैरह या अटेंड नहीं करते या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते फिरते नहीं हैं, वो कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं लगता। उन्हें लोगों से घिरे होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस होता है, उन्हें आपकी याद सताती है। हो सकता है गाइस कि कास्ट इशू रहा हो कुछ लोगों का, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है आपके रिश्ते में जिनकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो। लोगों की वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कुछ के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी आ गई जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है।
या आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है। और आपके पर्सन भी गाइस दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, और वही उस समय आपके पर्सन ने किया कि वो दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, उन्होंने आपकी बातों को नहीं सुना, आपकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आपको इग्नोर करते रहे, और अब उनको पछताना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने दूसरों की बातें क्यों सुनी। अब आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्हें उस समय दिमाग से काम लेना चाहिए था, समझना चाहिए था, दिल की सुनना चाहिए था, आपकी बातें सुननी चाहिए थी, लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया, ये सब कुछ किया ही नहीं, और दूसरों की बातों में आकर अपना रिश्ता ख़राब कर लिया आपके साथ। तो इस वजह से अब आपके पर्सन पछता रहे हैं कि क्यों उस समय उन्होंने ये सब किया। अगर वो उस समय थोड़ी सी समझदारी दिखाते तो आज उनका रिश्ता आपके साथ ख़राब नहीं होता, और आप दोनों का रिश्ता उसी तरह चलता रहता जैसा चल रहा था। तो अब ये बात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और हो सकता है गाइस कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि आप शायद अब उन्हें भूल चुके हो, अब आप उनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, अब आप उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, ये आपके पर्सन को लग रहा है। और आपके पर्सन इसी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपसेट भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें वही लग रहा है कि उन्होंने पास्ट में बहुत बड़ी गलती कर दी है, दूसरों की बातों में आकर आपको हर्ट कर दिया, इसी वजह से अब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, इसी वजह से अब आप इस रिश्ते पर कोई काम नहीं करना चाहते, उनकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। तो इन सबको सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान अभी आपके पर्सन हैं। तो आपको क्या करना है गाइस, पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन को पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट कीजिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी परेशानियां हैं आपके रिश्ते में ये सब दूर होंगी, और आप लोगों का रीयूनियन भी ज़रूर होगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है और अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।